And joining me now exclusively from Pakistan is Shahid Afridi, former Pakistan cricket captain and just back in the Pakistan team as well. Shahid Afridi, thank you very much for joining me tonight. What would you say today when a former Pakistani cricket captain, a bowler, your colleagues have been sent to jail? Aap kya kahenge aaj? वेल मेरे ख्याल में सिर्फ मेरी बात नहीं है, सिर्फ मुझे अफसोस नहीं है, पूरे पाकिस्तान नेशन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ क्रिकेट के चाहने वाले हैं और पाकिस्तान टीम के चाहने वाले हैं, सबको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हमारा मुल्क का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, क्रिकेट टीम का नाम ख़राब हुआ। लेकिन वेल आई थिंक जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक एग्जाम्पल सेट हुई है और जो आने वाले लोगों के लिए एक सबक रहेगा कि हमने इस तरह की गलती दोबारा नहीं करनी। वेल मेरे ख्याल में एक मैं तो समझूंगा कि एक बेवकूफ़ी हुई है उनसे, चाहे वो मेरे ख्याल में उन्हें पसाया गया और लोगों की बातों में या मजर मजीद ने उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की। जो भी खैर हुआ है, कोई मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और हम सबको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। आपने कहा दैट वर्ल्ड क्रिकेट इज ऑल्सो शॉक्ड बाय दिस, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट आफ्टर द हैंसी क्रोनियर स्कैंडल एंड ऑल दैट टाइम ऑल्सो द वर्ल्ड हैड एक्सप्रेस्ड शॉक ओवर दिस एंड क्रिकेट हैड सेड कि दैट देयर विल बी अ क्लीन अप, हाउ इज इट पॉसिबल दैट बुकीज कैन रीच प्लेयर्स सो इजिली? हाउ इज इट पॉसिबल दैट माजिद हैड सच इजी एक्सेस टू द पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन सलमान भट्ट एट दैट टाइम? देखिए भाई, बात कुछ इस तरह की है कि ऐसी बात नहीं, आईसीसी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा, ऐसी बात हमें नहीं पता, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, वो कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन हर एक के चेहरे पे लिखा भी नहीं होता कि ये बुकी है या गंदा किस्म का आदमी है। ये तो मेरे ख्याल में कुछ दोस्त बन जाते हैं या कुछ एजेंट्स मैनेजर्स बन जाते हैं, तो किसी के शक्ल पे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ होता कि ये किस किस्म का आदमी है। तो वेल मेरे ख्याल में फंसे हैं वो लोग, उन्हें फंसाया गया है। और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो बेहतरी के लिए होती हैं, तो ये जिस तरह मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल सेट हो गई है जिससे मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं, और जो दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, सबके लिए एक एग्जाम्पल है। जी, एंड यू सेड इट्स नॉट रिटन ऑन एनीवनस फेस हु इज अ बुकी हु इज नॉट। शायद अफरीदी जी, आप पर्सनल लेवल पे बताइए, यू न्यू ऑल थ्री ऑफ दीज प्लेयर्स वेरी वेल, यू न्यू सलमान भट्ट, यू बीन अ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन, यू न्यू दीज यंग बोलर्स, did you ever think that this could happen, did you ever believe that they could be involved in something like this? देखिए मेरे ख्याल में मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, इसलिए कि मेरे साथ जब ये खेले हैं तो मैं तो बिल्कुल कप्तान था टीम का, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ ये सारे होते थे। और सलमान भट्ट को कप्तान बनाने में, टेस्ट टीम का कप्तान बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, इसलिए कि जब मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा तो उससे पहले मैंने चेयरमैन एजाज भट्ट साहब ने मुझसे पूछा कि कौन बेहतर चॉइस है, तो उसमें मुझे सलमान भट्ट बेहतर लगा, इसलिए कि एक नया टैलेंटेड प्लेयर था और यंग था, सबसे अच्छी बात ये थी उसकी, और एक बड़ा अच्छा परफॉर्मर था। तीनों लड़के बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थे, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट पाकिस्तान टीम का ज़ाया हुआ है। You're saying not just in Pakistan, aap keh rahe ki the entire cricket world is shocked by this. Is this a lesson you said that the entire cricket world should learn ki ye sirf Pakistan ke liye ek sabak nahi hai? इसलिए मैंने आपसे कहा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, जहां जहां दुनिया में क्रिकेट जानने वाले लोग हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं, सबको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और सबके लिए, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं है सबक, ये सबक जितनी भी टीम है, जितनी भी नेशन क्रिकेट खेलती है, उन सबके लिए है। क्या आप सोचते हैं कि ये जजमेंट से आज टू क्रिकेटर्स हैव गॉन टू जेल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, डू यू थिंक दैट द मैटर इज ओवर? माजिद ने जो कोर्ट में कहा, ही सेड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, ही सेड दैट एन इंडियन बुकी वाज इन्वॉल्व्ड, ही आल्सो सेड दैट अदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वर इन्वॉल्व्ड, डू यू थिंक इस ये सब चीजें पे अभी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? देखें बात यह है कि आप भी चाहती हैं, हम भी चाहते हैं, आपके लोग भी चाहते हैं, हमारे लोग भी चाहते हैं, बल्कि दुनिया के हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों? करप्शन खराब चीज़ है, गंदी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इस चीज़ को, इस गंद को ख़त्म होना चाहिए जहाँ जहाँ होती है, और मेरे ख्याल में बहुत सी जगहों पे होती होगी जहाँ पे उनके बोर्ड नहीं निकलने देते बात को, तो मेरे ख्याल में उस हर जगह पे ये गंदी चीज़, ये गंदी नाला
जो क्रिकेट के ऊपर एक धब्बा किस्म का है, जो क्रिकेट एक खूबसूरत खेल है और साफ सुथरा खेल है, तो इसको साफ होना चाहिए ताकि जो लोग जो दुआएं करते हैं, जो टीवी पे हमारे लिए बैठे रहते हैं, उनको एक साफ सुथरा खेल नजर आए। और जो कि लोग अगर हमारे लिए इतनी दुआएं करते हैं और हमारी हरकतें ठीक ना हो, तो फिर उस चीज का मजा भी नहीं आता, वो अफसोस होता है। और आई थिंक जिस तरह मैंने कहा, ये सबके लिए सबक है, तो आई होप इन फ्यूचर, आई डोंट थिंक इंशाल्लाह कि इस तरह की चीजें दोबारा होंगी। But you said that it lets down the fans, and in Pakistan, there's been so much disappointment after this judgment. Is it true the perception that match fixing is somehow now become associated with Pakistani cricket? नॉट जस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीकन्स थे इसमें, इंडियंस थे इसमें, और भी नेशन और भी टीमें थी, तो सिर्फ पाकिस्तान को आप नहीं कह सकती, और हर जगह है, बहुत सारी जगहों पे होता है जहाँ के क्रिकेट बोर्ड उसको बात निकलने से पहले ही दबा देता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और भी काफी सारे मुल्क हैं। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड्स ऑफन जस्ट बेरी द मैटर। एहसान मनी, फॉर्मर आईसीसी चीफ एंड ऑफकोर्स फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, ही इज मेड द पॉइंट, ही सेड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिडंट टेक दिस मैटर सीरियसली एट ऑल, आई मीन दे जस्ट काइंड ऑफ ट्राई टू कवर इट अप, स्वेप्ट इट अंडर द कार्पेट। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं खैर, ऐसी बात नहीं कि पीसीबी ने सीरियस नहीं लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा। एजाज भट्ट साहब ने शुरू में उस चीज को कवर करने की कोशिश की होगी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में जब आईसीसी ने सबूत दिखा दिए होंगे क्रिकेट बोर्ड को, तो आई डोंट थिंक कि एजाज भट्ट साहब के पास फिर अल्फाज होंगे या उन्हें सेव करने की कोशिश की होगी उन्होंने। लेकिन उससे पहले उन्होंने कोशिश बिल्कुल की होगी कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन वेल आई थिंक जिस तरह मैंने कहा कि आईसीसी ने उन्हें काफी सारी एविडेंस दिखा दिए होंगे, जिसकी वजह से एजाज भट्ट साहब फिर बैकफुट पे हो गए होंगे। नहीं पर शायद अफरीदी साहब, आज द जज सेड इन मोहम्मद आमिर को जेल नहीं भेजा गया, ही टोल्ड मोहम्मद आमिर दैट यू आर यंग, यू कम फ्रॉम अ हार्ड बैकग्राउंड एंड दैट्स व्हाई ही सेड यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड। क्या आप सोचते हैं कि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, दैट यंग बॉयज हु कम इन टू क्रिकेट इन पाकिस्तान एंड इन द सब कॉन्टिनेंट, दे कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड एंड सडनली देर सो मच मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू मीट देम, एवरीबडी मेक्स बिग ऑफर्स, दैट दे गेट कैरिड अवे? देखिए मेरे ख्याल में अगर अब भी वक्त से ना सीखा जाए, अब भी इस इशू को सीरियस ना लिया जाए, तो फिर तो ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन आई थिंक कि जो हमारे नए चेयरमैन साहब आए, बड़े पॉजिटिव किस्म के पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उनका, और आई थिंक मे बी उनके जहन में बहुत सारी चीजें, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने चेयरमैनशिप कबूल की है। तो मेरे ख्याल में आई होप कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए हुए, और जो सारे इश्यूज हैं आई होप कि वो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को, मसले का हल निकालना चाहिए, मसले तो हैं लेकिन इसका हल होना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी आपके क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो आपके क्रिकेटर्स जैसे इंडिया में खेली जाती है, इंडिया में जो डोमेस्टिक आपके क्रिकेट खेलते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, उनको बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी जो डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छे पैसे मिलने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के भी, ताकि उनका जहन इस तरह की गलत चीजों में बाद में ना जाए। जी, दैट्स अ गुड पॉइंट, यू सेइंग दैट द मनी इज गुड इन इंडियन क्रिकेट, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट्स व्हाई द यंग क्रिकेटर्स डोंट नेसेसली गेट स्वेप्ट अवे बाय बुकीज। पर शायद अफरीदी साहब आप बताइए, व्हेन यू केम इन यू वर आल्सो द यंग शाइनिंग स्टार, यू केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एज वेल, डिड एनी बुकी एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ कम यू मैनेज टू रिजिस्ट ऑल टेम्पटेशन? नहीं जी, मुझे कभी इस तरह की ऑफर नहीं हुई, और मेरे ख्याल में मैं कभी कह सकते हैं कि उस उम्र में, वो कम उम्र में, छोटी उम्र में, मेरे ख्याल में मेरे घर वालों ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की। मेरे वालिदैन का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, उनकी दुआओं से मैं चला हूं और अच्छे लोगों में उठा बैठा हूं, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी काफी हिफाजत की है। जी शायद अफरीदी साहब, फाइनली यू सेड दैट दीज थ्री प्लेयर्स वर लाइक योर यंगर ब्रदर्स, इन पाकिस्तान हैज बीन अ ग्रेट सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वी नो दैट सलमान भट्ट हैज जस्ट हैड अ बेबी बॉय, व्हाट वुड यू फाइनली से अबाउट व्हाट्स हैपेंड to all three of these players who you described as your younger brothers? देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ही ज्यादा अफसोस है, और आई थिंक खास तौर पे उनकी फैमिलीज के लिए, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए, आई थिंक ये एक ऐसा स्टैंप है, एक ऐसा धब्बा है, जब एक दफा आप पे लग जाए तो बड़ी मुश्किल से हटते, ये सारी जिंदगी आपके साथ चलता है। इस चीज का उनकी फैमिलीज के लिए मैं बहुत ज्यादा बहुत अफसोस है मुझे उनकी फैमिली के लिए।